सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी अमीक जमाई जी आपसे, क्या हो गया मेल्टडाउन इतना ज्यादा कि ईवीएम को डीएम का पोल बता दिया? सारे पोल एक तरफ का रुझान दिखा रहे हैं। मैं मानती हूं ये एग्जैक्ट नंबर शायद ना हो, लेकिन क्या सारे पोल्स की डायरेक्शन भी गलत है, अंदाजा भी गलत है, नंबर भी गलत है और उनकी नियत भी गलत है कि ऊपर से मोदी जी देंगे और सारे पोलस्टर जो है वो नंबर लेकर और सारे मीडिया चैनल जो है वही नंबर लेकर चला देंगे? ये अब सर्टिफिकेट क्या हमें विपक्ष से मिलेगा 33 साल की पत्रकारिता के बाद? देखिए नाविका मैम, कल से तो आप लोगों ने सरकार बनवाई दी है भारतीय जनता पार्टी के इंक्लूडिंग, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये सिंगोल का एग्जिट पोल है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत की जनता का जो एग्जिट पोल है वो 4 तारीख को आएगा। और नाविका मैम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपका और बहुत लंबा एक करियर है। सबसे ज्यादा इस देश में जो सीटें कम होंगी नरेंद्र मोदी की, वो उत्तर प्रदेश से होंगी, क्योंकि चाहे महिलाएं हों, युवा हों, दलित हों, बैकवर्ड हों, अति पिछड़े हों, इन सब के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने 10 साल इस देश में शासन किया, इस देश की सरहदों को इनसिक्योर किया, हमारी आंतरिक सुरक्षा पे खतरे मंडराए, हमारे देश के कैपिटल पे उनके दोस्तों के द्वारा कब्जा हुआ, भारत के संविधान का जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको नरेंद्र मोदी ने चीथड़े उड़ा दिए। तो ये जो पोल है एग्जिट पोल जो 4 को आएगा, तब तक थोड़ा सा अपनी हृदय गति को हम लोगों को मेंटेन रखना चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम बता रहे हैं कि 395 होने की जरूरत किसको नहीं है, ये तो आप देखेंगे। और आप हमें कह रहे हैं कि हमने सरकार बनवा दी, अजी हमारी इतनी हिम्मत कहां, हम थोड़ी कोई सरकार बनवाते हैं, सरकार बनवाती है देश की जनता, ना आप में वो हिम्मत है ना मुझ में वो हिम्मत है, ये काम सिर्फ देश की जनता तो कर सकती है और जनगण का मन जो है वो जानने के लिए हमने बहुत बड़ा सैंपल साइज दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अब कैंपेनिंग खत्म हो गई है तो मुद्दे आपके जो भी रहे जनता के बीच गए। आप कहते हैं आपको वोट मिलेंगे, बिल्कुल हम दिल थाम कर बैठे हैं 4 तारीख तक, लेकिन सिर्फ मीडिया को अगर आप एक टारगेट बनाकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस चुनाव क्या शायद तहसीन पूनावाला अगले चुनाव में भी यही होगा, क्योंकि राहुल गांधी हर बार ठीकरा मीडिया के सर पे फोड़ते हैं। मैं कई बार आपसे ये सवाल पूछ चुकी हूं कि कांग्रेस की लड़ाई है किससे, बीजेपी से, मोदी से या मीडिया से? नहीं, इस बात से मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मीडिया से लड़कर आप लोग सिर्फ मैसेंजरों से कोई मतलब नहीं होता, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और देखिए मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि सारे एग्जिट पोल्स एक तरफ है तो एक डायरेक्शन बताते हैं, नंबर्स पे हम थोड़ी बहुत डिबेट कर सकते हैं, बट एग्जिट पोल एक हवा का रुख दिखाती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इंडिया अलायंस को एक सोचना पड़ेगा कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर इस तरह के नंबर्स आ रहे तो हमने कहां पर गलती कर दी। इसमें हम अपने आप को भी गिन रहा हूं, क्योंकि मैं विपक्ष में, मैं चाहता हूं भाजपा हार जाए, तो कहां पर हमने गलती की, क्यों हम जो मैसेज है, जो लोगों की परेशानी है वो लोगों तक हम कन्वे नहीं कर पाए, और लोग अगर वो समझ रहे थे तो क्यों वोट में तब्दील नहीं हुआ हमारे लिए। देखिए जब मोदी जी का दूसरा टर्म था, कोविड का एक कहर आया देश के ऊपर, इतने वहां पर दिक्कतें आई, उसके बावजूद इकॉनमी के कोलैप्सिंग होने के बावजूद अगर हम ये बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो कहीं ना कहीं हमें हमारी स्ट्रेटजी पर सोचना होगा। एक लास्ट चीज में विपक्ष को भी ये सोचना पड़ेगा, आज जो कुछ मुद्दे हुए कि कुछ फोन कॉल्स हुए वगैरह, इसके पहले शेर घुर्रा रहा है या मुस्कुरा रहा है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ड्रेसिंग रूम में जा रही नहीं जाए, क्या ये देश के मुद्दे हैं? हमें भी इस पर सोचना पड़ेगा, मैं अपने आप को इसमें गिनता हूं, क्या ये मुद्दे हैं? मीडिया को अगर हम कहें शेर क्यों घुर्रा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो आप लोग उठाओगे उसे, तो उसमें मीडिया की गलती नहीं। तो कौन से मुद्दे किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए हमें ये सोचना चाहिए, मुझे ये लगता है। बहुत अच्छी मीठी बातें आज सुनने को मिल रही हैं अजय आलोक जी। एक मिनट आनंद जी, आपके पास आ रही हूं। अजय आलोक जी, आज इतनी समझदारी का यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, परिचय दिया जा रहा है, परसों तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। 30 तारीख तक जब तक कैंपेन चल रहा था नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेट था और यही कहा जा रहा था तानाशाह आए हैं इस देश में, लोकतंत्र मर जाएगा, इस देश का संविधान मर जाएगा, यहाँ जितने यूथ हैं, जितना बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो हैं इस वजह से मोदी हारेंगे। अब जब ऐसा नहीं होता नजर आ रहा तो आज सब फिलोसोफर बन गए।
देखिए नाविका जी, कुछ लोग फिलोसफर बन गए हैं और कुछ लोग बैलेंस लूज कर गए हैं। अमित जी ने कहा 4 तारीख को जब एग्जिट पोल आएगा, 4 को एग्जिट पोल नहीं आएगा, 4 को एग्जैक्ट पोल आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा और इससे भी भयानक रहेगा। लोग तो हमें 360-370 ही दे रहे हैं, 400 पार होगा 4 तारीख को संविधान। और जहां तक रहे तहसीन भाई, तो ठीक है, तहसीन भाई पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि जब एक साथ सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होना है चुनाव का, ये उनको भली भांति पता चल गया है। तो थिथराई करने से ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली कि खुद कर मंथन करना पड़ेगा, खुद पे चिंतन करना पड़ेगा कि हमसे कहां गलती हो गई। अरे गलती पूरे देश को पता है तहसीन भाई, आप ही को नहीं पता चल रही है। गलती ये है कि 3 शहजादे हैं, शहजादे हटाओ पार्टी बचाओ, आपके पार्टी का प्रवक्ता ये कर लीजिए, गलती सुधर जाएगी। नहीं तो 29 क्या, 34 क्या, 39 भी, ये कोई उपाय नहीं है। अरे आप ये देखिए देश कितना बदल गया है, ये बदलता भारत है, उभरता भारत है। यहां डायनास की अब जरूरत नहीं है, यहां काम करने वाले लोगों की जरूरत है, यहां छुट्टी लेने वाले की जरूरत नहीं है। 23 साल में 23 सेकंड का छुट्टी नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, 72 साल की उम्र में 206 रैली, 23 रोड शो, 83 इंटरव्यू और आप लोग के शहजादे कुछ नहीं। जनता से कनेक्ट ही नहीं है भाई, खटाखट 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 बोलने से नहीं ना होता है, फटाफट 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 गायब हो जाएंगे 4 तारीख को। मुझे आश्चर्य लगता है कि गलती सामने दीवार पे लिखी हुई है, पढ़ा आप लोग नहीं रहे या पढ़ना नहीं चाहते डर के मारे। चलिए तो मैं नंबर की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करती हूँ। पहले तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीट वाइज क्या होने वाला है? मैनपुरी में डिंपल यादव जी हैं, यहाँ मैनपुरी में डिंपल यादव जी जीतती हुई नजर आ रही हैं, ये हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। अमीक जमाई कह दीजिए ये भी गलत है, नहीं ये नहीं आप कहेंगे। बदायूं में आदित्य यादव बीजेपी के जीत रहे हैं दुर्विजय सिंह शाक्य के सामने, यानी कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी हार रही है, कह दीजिए ये भी गलत है अमीक जमाई जी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बीजेपी सीट हार रही है आजमगढ़ की। कन्नौज में सुब्रत पाठक और कांठे की टक्कर है अखिलेश जी के साथ, यहाँ पर अखिलेश जी का यहाँ पर गढ़ है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब 3 सीटें तो मैंने समाजवादी पार्टी को जीतते हुए दिखा दी, अब भी क्या पोल गलत है? नहीं नविका जी, मुझे लगता है कि अगर दिखाने से है तो फिर टीवी मीडिया दिखा देगा, लेकिन उसके बाद हारेंगे तो और बुरा लगेगा। इससे रियलिस्टिक असेसमेंट हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, ये वो सीटें हैं जहां लड़ती हुई दिख रही समाजवादी पार्टी। आपका आजमगढ़ एक ऐसी जगह है जहां जिले की 10 सीटें, 2 लोकसभा सीटें, 10 के 10 विधायक आपके, वहां आप जीतते दिख रहे। लेकिन कन्नौज में आप सोचिए, अंतिम समय पर अखिलेश यादव को आना पड़ा, सर्वे दिखा रहा है कांटे की टक्कर है, क्योंकि तेज प्रताप यादव सुब्रत पाठक से जीतते हुए नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि सच्चाई देख के थोड़ा अपना आत्म मंथन थोड़ा कीजिए, समीक्षा कीजिए। आप अगर यही हर चीज कहेंगे, और मुझे लगता है कि जनता पर जो आरोप लगाते हैं ना, तो जनता भरोसा कैसे करे? और मैं तो कहूंगा आज तहसीन भाई बड़ी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, वो एमिनेंट पर्सनालिटी वाला बड़ा आजकल आता है, वो पता नहीं बिल्कुल क्या। बिल्कुल। और मैं अब दिखाना चाहती हूँ रायबरेली, अमित जी आ रही हूँ रायबरेली की सीट। राहुल गांधी जीत रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह हार रहे हैं इस सीट पर। रायबरेली के साथ ही राहुल गांधी की दूसरी सीट भी देख लेते हैं, वायनाड में भी वायनाड में भी राहुल गांधी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के केरला के प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन हार जाएंगे शायद ये चुनाव, एनी राजा भी हार जाएंगी, तो वायनाड रहेंगे या रायबरेली जाएंगे। अमेठी की सीट स्मृति ईरानी वर्सेस किशोर लाल शर्मा जी, और यहाँ जीतने वाली, मार्जिन कम हो सकता है लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी स्मृति ईरानी है, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। नहीं जीत रही है, आप चाहते होंगे कांटे की टक्कर हो, पर है नहीं, कम से कम हमारे पोल के मुताबिक स्मृति ईरानी तो नविका जी काटा ही है। नहीं, आपके लिए पर्सनली, कांग्रेस के लिए तो बड़ा काटा है राहुल गांधी। कैसरगंज की सीट अगर देख लें तो करण
ब्रिजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह यहां जीतते हुए दिख रहे हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। भगत राम मिश्रा जी हार रहे हैं। श्रादस्ती की सीट में साकेत मिश्र बीजेपी के हैं, राम शिरोमणि वर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी जीतती हुई। ये साकेत नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हैं, यहां समाजवादी पार्टी जीतने की कगार पर लग रही है। गाजीपुर में बहुत टफ फाइट है, क्लोज फाइट है, लेकिन एज समाजवादी पार्टी को है। गाजीपुर में बड़ी सीट है, पारसनाथ राय के खिलाफ अफजाल अंसारी हैं, और यहां बड़ा उलटफेर लग रहा है, अफजाल अंसारी हारने वाले हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तहसीन पूनावाला ना कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमरोहा भी देख लेते हैं। यहाँ अमरोहा में कंवर सिंह तनवर बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं, कुंवर दानिश अली कांग्रेस के हारते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा में बड़ी सीट है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे बीएसपी से, लेकिन हारते हुए नजर आ रहे हैं दानिश अली। अब अमीक जमाई जी, गाजीपुर में अगर उलट फेर हो गया तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उलटफेर तो सबसे बड़ी बात नविका मैम हिस्टोरिकली ये है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी 400 पार चुनाव में तो भूल ही गए, अब कोई इसका नाम भी नहीं ले रहा है, मीडिया में भी कोई नाम नहीं ले रहा है। सीधी सी बात ये है कि जो इंडिया अलायंस है 395 प्लस होगा, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस जीतने वाला है, इसको आप नोट कर लो। गाजीपुर की सीट नाविका मैम, इसको आप रिकॉर्ड पे करिए, 1.5 लाख वोटों से अलायंस समाजवादी पार्टी का हम वहां पे जीत रहे हैं। आपने अखिलेश यादव जी की बात करी, 2.5 लाख वोटों से कन्नौज की जीत है। आपने डिंपल मैम की बात करी, 1.5 से 2 लाख की जीत है उस सीट पर। आजमगढ़ की सीट, जौनपुर की, मछली शहर की, मेरे पास तो एक एक रिकॉर्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि 55 प्लस घोसी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मैं 4 तारीख को मैं आपसे दोबारा इल्तिजा कर रहा हूं कि मैं आपसे बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का क्या रिजल्ट रहा है। अच्छा, ये जो बिल्कुल मुझे भी इंतजार 4 जून का है, लेकिन आनंद रंगनाथन जी आपने एक चीज नोट की, जो सीट हम जीतता हुआ नजर दिखा रहे हैं उस पर अग्रीमेंट है, जो हम हारता हुआ दिखा रहे हैं वहां अग्रीमेंट नहीं है। चलिए मान लेते हैं, रिकॉर्ड पर रख भी लेते हैं, लेकिन 295 अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, ये 395 बैठे बैठे 100 सीट बढ़ा देते हैं, अब इनके सामने कौन सा पोल टिक पाएगा जो बैठे बैठे 100 सीट खुद की बोली हुई बैठकर बस एक शो में ही बढ़ा देते हैं, इनसे कैसे बीजेपी लड़ सकती है? नहीं नाविका जी, ये वही हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने 2022 में भी कहा था कि एग्जिट पोल को हम बिलीव नहीं करते हैं, और डंके की चोट पे समाजवादी पार्टी योगी जी को हराने वाली है, और आप जानते हैं नतीजा क्या हुआ था। 2017 में तो कह ही था कि हम वापस आ रहे हैं। एक तरफ है आपका साइंटिफिक, तो कहेंगे एग्जिट पोल का पूरा मैकेनिज्म साइंटिफिक है, भले ही इधर उधर हो वो एग्जिट पोल, हर एग्जिट पोल की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बता देना कि अरे चलो 100 सीटें कम लग रही हैं, जो खड़गे जी ने कहा मैं हम मैप बढ़ा देता हूँ, चलिए ये हार रहे हैं, मैं कहता हूँ 1.5 लाख से जीतेंगे, इसका कोई तर्क नहीं है। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी की टीम है वो एंटी इनकम्बेंसी को फाइट नहीं कर रहे थे, वो प्रो इनकम्बेंसी के वोट बटेर रहे थे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो 5 साल की स्कीम्स नहीं थी, वो 10 साल के बाद रंग लाई हैं, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1/3 से लेकर 1/4 तक सारे स्कीम्स के फायदे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को गए हैं, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि महिलाएं हैं उन्होंने 50 से लेकर 65% तक बीजेपी को वोट किया है, क्यों नाराज? क्योंकि 100 इनको पानी। अमित जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तहसीन भी जो कि इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं और मैं इनकी बातों पे यकीन करता हूं। पानी पी लीजिए, बहुत ग्रेसफुल वाली या आज से पहले वाली? हमेशा से ही ग्रेसफुल, या तो लूजर रहे हैं या ग्रेसफुल विनर रहे हैं, वो अलग बात है क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, ग्रेसफुल लूजर ज्यादा रहे हैं, पर कहने की बात यह है कि जब तक आपको आंकड़े की बात बाद में आती है, आपने लोगों को डिलीवरी दी कि नहीं दी, ये हां या ना का सवाल है, इसमें सर्वे लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई महिलाएं बीजेपी को क्यों वोट कर रही हैं? तो सवाल ये उठता है कि जो
नॉर्मल लोगों को दिखता है वो विपक्षी पार्टियों को दिखता नहीं है, या देखने से मना कर देते हैं, या इन्हें कोई सच्चाई बताता नहीं है, ये सवाल मेरे जहन में है। लेकिन बंगाल भी अगर देख लें, क्योंकि कुछ वीवीआईपी सीट्स अगर बंगाल की तरफ चलें तो कृष्णा नगर की सीट है, यहाँ अमृता राय वर्सेज महुआ मोइत्रा वर्सेज एसएम सादी सीपीएम की, यहाँ बीजेपी की जो अमृता राय जी हैं वो जीतती हुई नजर आ रही हैं। क्या महुआ मोइत्रा हारेंगी? ये बड़ा बड़ा एक ये बड़ा सीट है। बशीरहाट अगर हम देखें, बशीरहाट संदेश खाली में जहां बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, वहां बीजेपी की रेखा पात्रा हारती हुई नजर आ रही है और हाजी नुरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बशीरहाट का है। तौसीफ खान, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस जीत रही है और अगर ये एग्जिट पोल सही है और महुआ मोइत्रा हार रही हैं, तो मैसेज क्या है? नाविका, महुआ मोइत्रा नहीं हारेंगी, उसका वजह यह है, आपके आंकड़े आपके पास में जो है ठीक है, लेकिन देखिए बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो राजमाता हैं, उनका लोगों से कोई कनेक्ट है नहीं, वहाँ बंगाली जनता से बंगाली मानुष से कोई कनेक्ट है नहीं, और जो सीपीएम का वोट बैंक है इस दफ़ा अपना वोट को पुल कर रहा है, तो आपने देखा होगा 2019 में सीपीएम का जो वोटर्स था उन्होंने जाके बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस दफ़ा वो वैसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपके आसनसोल में भी हुआ, ऐसा दूसरी दूसरी जगह में भी हुआ, तो ये भले ही आपके महुआ मोइत्रा को हारते हुए दिखा रहे हैं, पर ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस दिन हम देखेंगे, और ये बिल्कुल जीत रही है और अच्छी मार्जिन से जीत रही है। बंगाली कनेक्ट था ना, शत्रुघ्न सिन्हा का बंगाली कनेक्ट का बात नहीं है, कृष्णनगर और आसनसोल अलग है, वजह है वजह नहीं, मैं वजह बता रहा हूँ, आसनसोल जो है, आसनसोल का डेमोग्राफी कृष्णनगर का डेमोग्राफी बहुत डिफरेंट है, कृष्णनगर में अगर आप बंगाली मानुष से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं वो रूरल एरिया है, आसनसोल में जो है हिंदी स्पीकिंग ज्यादा है और वो झारखंड के लोग आके आसनसोल में फंसे हुए, क्योंकि आपको उतना डीपली हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है, आसनसोल में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दे करके वापस ले लिए, और जो लास्ट टाइम उन्होंने जीता था 2.5 लाख का बोल ले के हम 50,000 अजय आलोक की जवाब बंगाल में वो खुद कह रहे हैं, आसनसोल में एक था कि ये बात सही है कि जो अब इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी है ऐसा है, कह रहे कि हम 50,000 ऐसा है कि वहां पे लीड था उनका लास्ट 2.5 लाख खुद ही का विदेशों में ज्यादा मानेंगे नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, बंगाली मानुष में थोड़ा कमी करेंगे। एक मिनट अजय आलोक जी का जवाब सुन, बंगाल में देखिए, बंगाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो सिंपल मुद्दा चल रहा है जिसके कारण लोग वोट दे रहे हैं कि ममता सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है, अगर बंगाली मानुष को, बंगाली भद्र पुरुष को बंगाल में रहना है, क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली और बाकी जगहों को लेकर तुष्टिकरण की राजनीति हुई, जिस तरह से वहाँ पे एंटी नेशनल पॉलिसी फॉलो की जा रही है, ये सब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है तौसीफ खान, जिसके लिए बंगाल की जनता वोट कर रही है, और वो चाहे महुआ मोइत्रा की सीट हो चाहे डायमंड हार्बर की सीट हो, आप क्या कहेंगे? हम तो कहीं थे ही नहीं बंगाल में, लेकिन आपके हरकतों के कारण बंगाल की जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। मछली खाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में बोलना तो बौखलाहट ही दिखाता है ना। तो मोदी जी, अरे एक मिनट, मछली नहीं, मोदी जी गोवा भी जीत चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट भी जीत चुके हैं, और वहाँ जिसको जो खाना है वो खा रहा है, आप चिंता मत करें। हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं, यहाँ मंडी में कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य है, और ये बहुत क्लोज फाइट है, बहुत ही क्लोज फाइट है, एज टू विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि हिमाचल के हैं, आउटसाइडर वाला यहाँ पे एज दिया जा रहा है, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। तेलंगाना में हैदराबाद की सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता माना जा रहा था, माधवी लता जीतेंगी नहीं, लेकिन बीजेपी का परचम जरूर हराया और बहुत जबरदस्त फाइट थी। बिहार में अगर हम चले तो पूर्णिया में जहां पप्पू यादव जी लड़े हैं ये चुनाव, पप्पू यादव जी कांग्रेस में रहकर इंडिपेंडेंट के हिसाब से लड़े, लेकिन जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए कि अगर आप अपने ही लोगों को टिकट नहीं देंगे तो आपने इसका खामियाजा बहुत जगह देखा है। महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो बारामती में सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले में सुनेत्रा पवार जीत सकती हैं ये चुनाव,
बहुत कांटे की टक्कर है और सुनेत्रा पवार जीतती हुई इस पोल में नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी सीट है छिंदवाड़ा की, जो कमलनाथ और उनके परिवार ने कभी नहीं हारी। वहां पर उनके बेटे नकुल नाथ हारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 29 out of 29 मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं, तो छिंदवाड़ा जो एक इकलौता बेस्टियन था, जो सीट कभी भी नहीं हारी गई थी, वहां पर भी नकुल नाथ हारते हुए नजर आ रहे हैं। सबा नकवी, इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो कुछ सीटें मैंने गिनवाई? देखिए, मंडी का बहुत ही दिलचस्प कलरफुल कैंपेन है, हम सब उसमें इंटरेस्टेड हैं। और मंडी का, क्योंकि हम काफ़ी बार जा चुके हैं हिमाचल, हमारे मित्रों ने कहा कि ये बहुत पढ़ा लिखा स्टेट भी है, यहाँ आर्मी के लोग हैं, यहाँ लिटरेसी लेवल्स भी हाई है। और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जो लोगों को तमाशा अच्छा लगा, लेकिन अंत में जब उनके सामने एक अच्छा कांग्रेस के कैंडिडेट आए ट्रेडिशनल परिवार से, तो उन्होंने कहा था एक सीट कांग्रेस जीतेगी, और उनको मैं मैसेज कर दूंगी कि हमारा कि आपका एग्जिट पोल भी दिखा रहा है कि वो राइट थे, बाकी सब सीटें अच्छा। और ये भी देखने की बात है कि विक्रमादित्य सिंह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर गए थे, क्या ये इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है हर्षवर्धन त्रिपाठी? बिल्कुल हो सकता है। और विक्रमादित्य सिंह और उनकी माताजी की जो लाइन रही वो कांग्रेस से बहुत अलग रही, इनफैक्ट गांधी परिवार से वो लड़ते हुए दिखे। अब कंगना रनौत के खिलाफ, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा जिस तरह की लड़ाई है, और खुद प्राइम मिनिस्टर उस सीट पर गए, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह चूंकि जिस विरासत को लेकर आते हैं, एक उसका भी असर है, राज परिवार का भी असर है, और जो अभी तौसीफ भाई कह रहे थे वहां राजमाता हैं, उनका कनेक्ट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कम से कम ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो वहीं की हैं। छिंदवाड़ा अगर जाता है तो तहसील पूनावाला की पार्टी के लिए क्या संदेश है? राजमाता इनके पति तो मुख्यमंत्री ज्यादातर कांग्रेस में रहे, कांग्रेस इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं। छह बार तो आप ये तो बीजेपी के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे हिमाचल से, हो सकता है। नाविका जी, आप इस पे ज्यादा अब ये ज्ञान अभी ना दें। अभी आपको इलेक्शन कमीशन बुलाएगी और कहेगी एविडेंस आप दीजिए, आप मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अभी भी हैं। नहीं, छह विधायकों का मसला है, वो जिधर जाएंगे वही हो जाएगा। ये देखिए, बारामती, नाविका जी आपने जो बारामती का कहा है, ये मतलब धक्का लगेगा शरद पवार जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत कैंपेन किया अपनी बेटी के लिए, सुप्रिया के लिए, उनको धक्का लगेगा। तो मुझे लगता है इसमें दोनों एसपी एनसीपी वाले, अजीत पवार को बस एक ही सीट मिल रही है, इनको ज्यादा सीटें मिल रही है, लेकिन बेटी का सवाल है उनके। दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ चले, बाड़मेर का की सीट जो है, जो बीजेपी पिछले दो चुनाव में जीतती आ रही है, यहां पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, कैलाश चौधरी हार रहे हैं, और ये कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, उमेद राम बेनीवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जल्लौर में लुम्बा राम चौधरी बीजेपी के जीत रहे हैं, वैभव गहलोत हार रहे हैं, अशोक गहलोत के बेटे हार रहे हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। पंजाब के जालंधर में सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी हारते हुए नजर आ रहे हैं, तहसीन पूनावाला जरूर देखिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हारते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर में कांटे की टक्कर है, एज शशि थरूर को बताया जा रहा है, लेकिन फाइट बहुत क्लोज है, और अगर सीपीएम के वोट्स ट्रांसफर नहीं होते हैं तो शशि थरूर दिक्कत में आ सकते हैं। चंडीगढ़ में संजय टंडन वर्सेस सीपीएम के वोट ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना सीपीएम मजबूत होगा, जितना बीजेपी मजबूत होगी उतना कांग्रेस जीतेगा। ये थोड़ा सा मैं इस आकलन को नहीं मानता हूँ कि सीपीएम के वोट ट्रांसफर होने चाहिए, जितना शशि थरूर जीतेगा जितना बीजेपी ज्यादा वोट। चंडीगढ़ में संजय टंडन वर्सेज मनीष तिवारी,
इसमें संजय टंडन जो रहने वाले चंडीगढ़ के हैं और प्रेसिडेंट भी हैं बीजेपी की पार्टी के चंडीगढ़ में, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शायद मनीष तिवारी को इस बार ये सीट में दिक्कत आ सकती है। बड़ा मार्जिन मार्जिन कम है, लेकिन फाइट है, लेकिन एज संजय टंडन को है। तो पांच सेकंड में लेना चाहता हूं, एक एनालिसिस जो आप आने वाले एक दो दिन में मैं चाहता हूं आप करें। मैंने रफली किया है कि इस इलेक्शन में 25% ऑफ द कैंडिडेट्स जो बीजेपी ने सिलेक्ट किए हैं वो टर्न कोट्स हैं, अलग पार्टी से आए हैं। उनमें से कितने लोग जीत रहे हैं? मैंने जो किया है वो 68% जीत रहे हैं। इसका मतलब क्या दिखाता है? इसका मतलब पार्टी कोई भी हो, टर्न कोट कोई भी हो, आएगा तो मोदी ही, मोदी के नाम पे वोट दिया जा रहा है। तहसीन पूनावाला, ये तो डेटा हमको अगर देखना, तीसरी बार जीत रहे तो किसके नाम पे? उन्हीं के नाम पे। अभी इस पे कैसे आप आर्ग्यू करोगे? वो तो डेटा, वो बात क्या हो गया आपकी लड़ाई? नहीं 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 नहीं, ये कौन सा विटामिन के दिलवाओं में आप भाई संभालो थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं, संभालो। तो क्या कहो के मोदी जी के नाम पे जीत रहे? ना ना, क्या कहो, दूसरा पूनावाला भाई बीजेपी के खिलाफ? मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ बीजेपी आ रहे। लेकिन अगर वो जीत रहे हैं तो अब ये कहना इस टीवी चैनल पे कि नहीं मोदी के नाम पे नहीं जीते, किसी और फैक्टर पे, तो कैसे? मतलब इतना ट्रोलिंग होगा इसके बाद? ट्रोलिंग से डर रहे हैं आप? ट्रोलिंग से नहीं डर रहे। अजय आलोक जी, अगर तहसीन पूनावाला ट्रोलिंग से डर रहे हैं तो फिर ये तो बिल्कुल ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ट्वीट था 613 मिलियन यूट्यूब व्यूज मिले हैं, हम जीत रहे हैं, बीजेपी पीछे रह गई है। तो ये सोशल मीडिया पे तो नहीं लड़ रहे थे कहीं चुनाव? ये चुनाव सोशल मीडिया पे ही लड़ रहे थे। इनके प्रवक्ता तो खुलेआम कल बोल रहे थे ना भाई कि कैसे हमें कम वोट आएंगे, हमारे ट्वीट पे इतने आरटी होती है, इतनी यूटी होती है, हमारे यूट्यूब चैनल को इतना लोग देखता है। तहसीन भाई, यार समझदारी से बात करें। देखिए नविका जी, इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक क्या है? डायनास्ट नकारे जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी नकारे जा रहे हैं, वैभव गहलोत चुनाव हार रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री के पुत्र भी चुनाव हार रहे हैं। तो ये ट्रेंड है कि अब लोग डायनास्टिक पॉलिटिक्स और परिवारवादी राजनीति से निकल रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लीडरशिप एक ऐसे लोग के रहे जिन्होंने अपना खुद संघर्ष किया, जिनके पास कोई मेटल हो। नॉन मेटलिक लीडरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कंट्री। और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े मैग्नेट हैं, वो वोट के मैग्नेट हैं, वोट उनसे चुंबक की तरह चिपकता है, और ये लगातार 23 वर्षों में उन्होंने करके दिखाया है। और वो इसलिए किया क्योंकि उतना काम कर पाए। 23 वर्षों से गुजरात को कहां से कहां पहुंचाया, देश को कहां से कहां पहुंचाया। बिल्कुल, और ये कटिंग अक्रॉस एज ग्रुप्स एंड डेमोग्राफी, मैं ये दिखाना चाहती हूं। अगर आप मेल वोटर्स ले लें, मेल वोटर्स में लगभग 45% एनडीए की तरफ जा रहे हैं, यहां लगभग 34.5% इंडिया गठबंधन की तरफ और 20.4% अदर्स की तरफ, अन्य की तरफ। ये पुरुषों के वोट जो हैं ये नरेंद्र मोदी को ज्यादा जा रहे हैं इंडिया के बनाम। अगर महिला वोटर्स ले लें तो ये फिगर और ऊपर चला जाता है। महिला वोटर्स में 45% जाते हैं एनडीए की तरफ, 30% जाते हैं इंडिया को और 24% जाते हैं अन्य को। इसमें अगर आप लें यूथ एज वाइज अगर मैं देखूं तो 18 से 30 46% जाते हैं मोदी को और इंडिया गठबंधन को 33.7%, अन्य को 20.3%। ये है 18 से 30 की आयु में। तो यानी कि जो आप कह रहे थे कि यूथ जो है अग्निवीर, बेरोजगारी, यहां पर नहीं लग रहा ऐसा कुछ। 31 से 45 की एज ग्रुप में और नंबर बढ़ता है, 47.1% मोदी को, इंडिया गठबंधन को लगभग 32% और अन्य को 21%। अब अगर हम 45 से 60 की डेमोग्राफी देखें तो 45% मोदी, 32% इंडिया गठबंधन, 23% अन्य। इसके बाद 60 से ऊपर वाले जो वोटर्स हैं वहां 43.7% यानी लगभग 44% मोदी को और लगभग 33% इंडिया गठबंधन को, 23.5% अन्य को। और इसी में अगर मैं आपको बैकवर्ड
ओबीसीज का डेटा बताऊं, क्योंकि आपने कास्ट पर बहुत राजनीति की थी अमीक जमाई जी, ये नंबर पिछड़ा वाला जो आपकी राजनीति थी उसका क्या हाल हुआ? ओबीसी वोटर 54% एनडीए की तरफ जा रहा है, 35% इंडिया गठबंधन, 11 अन्य की तरफ। ओबीसी की जितनी आपने राजनीति की वो शायद चली नहीं। और उत्तर प्रदेश में यादव पोल, यादव फैक्टर आपकी तरफ है, वो 77% आपकी तरफ जाता है, 16% मोदी की तरफ, 7% अन्य। लेकिन बिहार में यादव जो हैं वो इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन नॉन यादव ओबीसी जो हैं वो सारे चले जाते हैं नरेंद्र मोदी की तरफ। अमीक जमाई जी, अब ये पिछड़ा राजनीति जो हुई थी, ये फिर सिर्फ यादव के लिए? जो अन्य पिछड़े कास्ट थे उनको तो आप अपनी तरफ ला नहीं पाए। देखिए, मैं दो बातें हिस्टोरिकली कहना चाहता हूं, मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिए। पहली बात तो यह है कि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और राम मंदिर के पॉलिटिकल इवेंट पे रखा। पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने, इवन अयोध्या में यह मुद्दा देश में चला ही नहीं। मुद्दा वो चला जो माननीय अखिलेश जी ने जातिगत जनगणना, संविधान बचाने का आह्वान, दलितों का और पिछड़ों का जो आरक्षण का हिफाजत, किसानों का एमएसपी, जो अधिकारी हैं सरकारी अधिकारी उनका ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर, ये मुद्दे काम किए हैं। इसमें हमें, नाविका मैम, आप तो 5000 सैंपल सर्वे किया होगा एक जिले का, आपने 10000 किया होगा, मैं मानता हूं उससे बड़ा भी किया होगा आपने। लेकिन जब अखिलेश यादव जी किसी जिले में जाते हैं ना नाविका मैम, तो वो कम से कम 20000 लोगों से 1-to-1 बात करते हैं। उनके पास इतनी क्षमता है, वो पिछले 19 से यही काम कर रहे हैं। और हम जैसे लोग भी, मैं जौनपुर में रहा हूं पूरा चुनाव की ड्यूटी में, हमें राजभर वोट मिले, हमें निषाद समाज के वोट मिले, हमें जो है कुशवाहा मिले, हमें मौर्या मिले, हमें दलित मिले, हमें जाटों मिले, हमें वाल्मीकि वोट मिले। 17 में हारे, 22 में हारे, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि 14 में हारे, 19 में हारे, 24 में हारे, लेकिन सब वोट आपको दे रहे हैं। अजय आलोक जी, अब अमीक जमाई जी के 30 सेकंड भी बढ़ रहे हैं लेकिन वोट शेयर बढ़ नहीं रहा। पिछड़ों की मैं डेटा दिखा रही हूँ, फिर भी ये जो गिनती गिना रहे हैं, 4.25 लाख लोगों का सैंपल साइज इन्हें कम लग रहा है। अजय आलोक जी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, आप पॉलिटिशियन हैं, आप जवाब दे दें। 4.25 लाख नरेका जी, आपका 4.25 लाख का सैंपल जानती हूँ क्यों कम लग रहा है, इनके लिए कुछ नहीं है। ये जब अखिलेश यादव इतने महान पुरुष हैं, अरे एक मिनट रमेश भाई, बीच में क्यों बोलते क्या है? अखिलेश यादव जब इतने बड़े महान पुरुष हैं कि वो जिले में जाते हैं, 24 घंटा रहे, 48 घंटा रहे, वो 20,000 आदमी से मिल लेते हैं अपने वर्करों को, 20,000 आदमी से अखिलेश जब मिल लेते हैं 48 घंटे के अंदर में, तो 4.25 लाख का सैंपल तो छोटा ही लगेगा ना। 20,000 आदमियों से अगर एक एक मिनट भी निकाला जाए तो 20,000 मिनट नहीं होंगे 24 घंटे, 20,000 आदमी से अखिलेश मिल लेते हैं, महामानव हो गए भाई। ऐसे महामानव 14 में हार रहे, 17 में हार रहे, 19 में हार रहे, 22 में हार रहे, सारी जातियों से नकारे जा चुके हैं, एक यादव जाति को छोड़ के और मुसलमान को छोड़ के। अच्छा, कर्नाटका में नकारे जाएंगे लोग, वेस्ट बंगाल में कौन हार रहा है, पड़े हुए हैं कौन हार रहा है वेस्ट बंगाल में, कौन हार रहा है? अरे कर्नाटका में कौन हारा, बिहार में कौन हारा, बिहार में कौन हारा, वेस्ट बंगाल भी हम जीतेंगे, स्वीप करेंगे, बिहार में हारे स्वीप करेंगे, बिहार में क्यों कौन हारा? मैं आपको इतना बता दूं कि इस पूरे एग्जिट पोल के एक्सरसाइज में, और सपा जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, 6 ऐसे राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, जहां एग्जिट पोल में बड़ा चेंज डायरेक्शन का दिख रहा है, बीजेपी डोमिनेट करेगी और दूसरी पार्टी जो है वो नीचे आएगी, बीजेडी हो या तृणमूल कांग्रेस, और साउथ के जो 5 स्टेट्स बिल्कुल, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरल हो, कर्नाटका हो, 4 मतलब कम से कम केरल में और तमिलनाडु में बीजेपी को कभी सीट नहीं आई, वहां उनकी ओपनिंग हो रही है, आंध्रा में भी, तेलंगाना में डबल हो रहे हैं उनके सीट उससे ज्यादा। आपको लगता है ये जो 6 स्टेट्स की कहानी है यही इस चुनाव की कहानी है और इसे इंडिया गठबंधन कहीं कम आंक रहा था? बिल्कुल नाविका जी, हम लोग बातचीत में भी, और ये जायज़ है कि हम लोग ज़्यादा यूपी बिहार की बात करते हैं जहाँ बीजेपी पीक, और मैंने हमेशा माना है कि जैसे समाजवादी पार्टी ये लोग बहुत इंथुजियास्टिकली कैंपेन करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं चुनाव का,
जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन भाजपा और संघ परिवार लाता है वो इसको मैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लड़ा। चलिए मैं मॉक नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ये एग्जिट पोल के जो आपके जो फाइंडिंग्स हैं अगर वो सच है, हम भारत का अगर नक्शा देखें तो हम हमेशा देखते थे कि उस ईस्टर्न कॉरिडोर में भाजपा एब्सेंट है, तो वो अगर ये सही हो कॉरिडोर, तो उस कॉरिडोर में अगर ये हो रहा है तो वो बड़ी चीज है। ईस्टर्न कॉरिडोर भी वहां बीजेपी स्प्रेड करा है, चाहे हमको पसंद हो या ना पसंद हो, हमारा काम है कि हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ये बड़ी चीज होगी बीजेपी का। और आप देखिए मैं तस्वीरों में बताना चाहती हूँ एग्जिट पोल के बाद, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मीटिंग्स कर रहे हैं, योगी जी जू में टाइगर को खिलाने चले गए हैं और पूरा इंडिया पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रहा है। ये मैं कॉन्ट्रास्ट जी को छोड़, हाँ वो जेल, वो आत्मा को लेके 7 किलो की आत्मा को लेके जेल गए हैं, तो ये हाल आत्मा का वजन कैसे पता, तो आंख बंद कीजिए, आत्मा का वजन आपको देखिए, पहले 4.5 किलो था आत्मा का वजन, अब केजरीवाल जी ने खुद कहा 7 किलो है, तुम्हें अच्छा खुद बिल्कुल, और लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट है। और अब मैं आखिरी में आपको स्ट्राइक रेट दिखाना चाहती हूँ, जो पार्टियां कह रही थी कि तानाशाह इस देश को बर्बाद करने आए हुए हैं, उन पार्टियों का मैं स्ट्राइक रेट दिखाना चाहती हूँ, और वो स्ट्राइक रेट आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लेते हैं, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो लगभग 64 सीटें जीत रहे हैं, 20% से नीचे का स्ट्राइक रेट है, 328 में से अगर 64 जीते तो 20% से नीचे का उनका स्ट्राइक रेट है। अब हम आम आदमी पार्टी देख लेते हैं, आम आदमी पार्टी 22 सीटें लड़ी थी, 4 में जीत रही है, 18 लगभग परसेंट का उनका स्ट्राइक रेट है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस 47 सीटें लड़ी है, 20 जीत रही है, अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाएगा अगर ऑपोजिशन में किसी का तो वो ममता बनर्जी का, 42% उनका स्ट्राइक रेट है। समाजवादी पार्टी का इस वक्त जो रुझान बता रहे हैं, अगर 10 सीटें 62 में से आती हैं तो 16% उनका स्ट्राइक रेट है। अब चुनाव में क्या होता है मैं नहीं जानती, असली रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे, लेकिन किसी भी स्कूल में अगर कभी कोई पढ़ा हो तो पासिंग परसेंटेज 40% होती है। तृणमूल कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी इसे पार करती हुई नजर नहीं आ रही, और अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखें और जिस तरह से पोल्स ने और हमारे पोल ने तो शायद उन्हें कंजर्वेटिवली 315 का मध्य नंबर दिया है, 315 का अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 65-70% का उनका स्ट्राइक रेट होगा, बाकी पार्टियां पास नहीं हो रही। क्या यही कारण है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और जन गण का मन चाहे विपक्ष ने जो भी कहा इस लंबे चुनाव के दौर में, जन गण का मन अगर किसी के साथ है और डिसाइसिवली किसी के साथ है तो वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज मीटिंग्स करके अपने पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। विपक्ष कहाँ है? इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट के दौर जारी हैं। क्या होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आज इस शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ।